स्वागत है आपका सनी ड्राइव जोन में और मेरा नाम है सनी। तो भाई आज की वीडियो ना सारे जो कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, अब मैं एक एक करके वीडियो शायद नहीं बना पाऊंगा इंडिविजुअली। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा जजमेंट से रिलेटेड, जैसे बैक जजमेंट की एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैक जजमेंट करने के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो आप देख लेना, वो एक लेंथी फुल वीडियो आएगी। और लेकिन अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये 3-4 कमेंट है जिनका मैं आंसर करने वाला हूँ। आगे स्पीड ब्रेकर है, आपको दिख रहा होगा ये रहा, ठीक है। अब स्पीड ब्रेकर पे कैसे क्लच कंट्रोल करोगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक यही है कि स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी सपोज थर्ड गियर में चल रही है, ठीक है। अब यहाँ से आप कैसे रिवर्स करोगे, अब यहाँ से देखो आगे स्पीड ब्रेकर है, ठीक है। क्लच दबा के ब्रेक ले लोगे हल्के हल्के और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल दोगे, यहाँ पे रिलीज कर दोगे क्लच। जब आपका टायर चढ़ने वाला हो स्पीड ब्रेकर पे, वहाँ पे आपको फर्स्ट गियर में हल्का हल्का क्लच रिलीज करना है, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, अब यहाँ पे आपकी गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है, आगे ब्रेकर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे, क्लच दबाएंगे, फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल देंगे और यहाँ पे रिलीज करेंगे। जब आगे वाला टायर आपका चढ़ जाएगा, ठीक है, चढ़ रहा होगा या चढ़ जाएगा, उस टाइम पे आपको सबसे पहले स्पीड को उतना कम करना है कि 10 या 15 या 20 की स्पीड में गाड़ी हो आपकी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लच को वहाँ रिलीज करना है। चलो एक बार और बस दिखा देता हूँ। तो भाई आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है, 30 की स्पीड में आपने ब्रेक लिए और ब्रेक लेके आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल लोगे, यहाँ पे रिलीज करोगे हल्का हल्का क्लच, ठीक है। बस यही करना है आपको स्पीड ब्रेकर पे, ठीक है, कोई भी स्पीड ब्रेकर। अब बहुत सारे देखो सो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आपको कर्व पे, अब जैसे वो दिख नहीं रहा आपको लेफ्ट, ना आपको लेफ्ट टायर दिख रहा है ना इस साइड में वो कर्व दिख रहा है, ठीक है। वो कर्व है, वो फुटपाथ है, जो भी है। आपको सेफली पार्क कैसे करना है कि आपका टायर साइड में भी हो जाए और सेफली पार्क कर दे कि आप अपनी गाड़ी को डैमेज ना करें, तो उसके लिए क्या करना है, ये मिडल पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए स्टेयरिंग से जाता है सीधा, ये जो हम्प खड़ा हुआ है, ये हम्प खड़ा हुआ है ना, इसको आपको क्या करना है, अलाइन करना है। पहले लेफ्ट में जाना है, कितना जाना है, इतना जाना है बस, ताकि वो आपको विजिबल हो आपकी आई साइड जो है वहां से, और धीरे धीरे चलना है और बस ये आपको करना है, अलाइन कर दिया। अब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भैया आपका टायर गाड़ी पार्क हुई है या नहीं हुई सेफ। तो भाई देखा आपने कि गाड़ी आपकी, पार्क हो चुकी है। हाँ तो भाई IRVM से पीछे वाली गाड़ी का जजमेंट कैसे लेंगे, बड़ी क्वेरी आ रही है, भाई ने पूछा है क्वेश्चन, तो आप देख लो। पीछे आपको दिख रहा है गाड़ी खड़ी है, कितना पीछे जाएंगे मैं बताता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। जब तक उस पीछे वाली गाड़ी, अगर वो पीछे की तरफ खड़ी है तो उसकी जो बैक लाइट है ना वहाँ तक आपको जाना है। बैक लाइट आपको दिखनी बंद हो जाए बस आपको गाड़ी रोक लेनी है, वो आपके लिए सेफ डिस्टेंस होगा, ठीक है। उससे आगे आप डेंजर जोन में चले जाएंगे। देखो बैक लाइट दिख रही है मुझे अभी भी दिख रही है, ठीक है, अभी भी दिख रही है। और पीछे जा सकते हो, बस इससे ज़्यादा पीछे ना जाएं, नहीं तो आपकी गाड़ी लग जाएगी, ठीक है। मैं आपको उतर के दिखाता हूँ कि कितना डिस्टेंस है गाड़ी में। ठीक है, अभी भी 1 से 2 फीट का डिस्टेंस है। अगर फिर भी आपकी कोई बहुत टाइट कंडीशन है, आपको थोड़ी सी और पीछे करनी पड़ रही है, तो आप कर सकते हो, हल्की सी पीछे और कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको जजमेंट नहीं हो पाएगा एंड आपकी गाड़ी लग जाएगी। तो ये है सेफ डिस्टेंस, ठीक है।